हेलो जेंट्स, मैं कमलेश सर। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं, है ना। तो डेसिमल नंबर के बारे में हम सबको पता है कि 0 से लेके 9 तक का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, है ना। ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, बेस 10 होता है। लेकिन हेक्साडेसिमल की बात है, पहले हमने बता चुका है, फिर एक बार देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ के बाद होता है A, B, C, D, E, F, where A का मतलब यहाँ पर 10, B है 11, C का 12, 13, 14 और ये 15। That means 0 से लेके 15 तक का नंबर जो है आपका 16 डिजिट होता है और ये आपका हेक्साडेसिमल कहलाता है, 16 बेस इसका हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। सपोज कोई नंबर मेरा है 2, 3, 4, 9, है ना। ये मेरा नंबर है, ये है बाइनरी, सॉरी डेसिमल में, इसको निकाल देना है किसमें, हेक्साडेसिमल, है ना। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि बाइनरी में निकाले थे तो 2 से डिवाइड किए थे, उसका बेस 2 था। ऑक्टल में निकाले थे डेसिमल से तो 8 से डिवाइड किए थे क्योंकि उसका ऑक्टल का बेस 8 था। यहां पे हमें निकालना है हेक्साडेसिमल में तो 16 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इसका बेस 16 है। तो क्या करें, 2, 3, 4, 9 को डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन यहां लिखेंगे, रिमाइंडर यहां लिखेंगे, ठीक है। अब हम लगाते हैं क्या, 1 टाइम्स लगाएंगे 23 में, है ना। तो हमारे पास कितना बचा, 7 बच जाएगा, आगे आया 4, 74। तो 74 में लगाने के बाद कितना, 4 टाइम्स लगा दो भाई, 64 आएगा, ये कितना बचेगा, 10 आया, कितना 9। अब कितना बार लाएंगे, 6 टाइम्स में 96, 16 16 बच गया, यहाँ 146 में फिर लगा दे, इससे 60 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना बार में आता है, कितना बार लगा दे यहाँ पे 16, 8 जा 16, 8 जा 16, 8 जा 16, 8 जा 16, 9 जा, तो दे सकते हैं ना 16, 9 जा, अगर हम लगाते हैं 16, 9 जा, हमारा कितना होता है 140, 6 था 144 होता है हमारा 16, 9 जा, तो ये हमारे कितना बच गया, रिमाइंडर 2 ही बचेगा ना यहाँ पे, 2 यहाँ पे आ गया। तो 16, 9 जा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे निकल गए, आंसर कैसे लिखेंगे, ये तरीका ऐसा लिखने का, 9 to 13। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये डेसिमल हेक्साडेसिमल से भी डेसिमल में चेंज हो जाएगा इजीली तो कन्वर्ट करके देखते हैं, हेक्सा है ना डेसिमल टू डेसिमल नंबर, है ना डेसिमल नंबर, देखते हैं नंबर क्या आएगा मेरा, टू, सॉरी नाइन टू डी, ये हेक्साडेसिमल में निकालना हमें डेसिमल में, है ना। अब तो क्या करेंगे, डेसिमल से हेक्सा में लाने के लिए डिवाइड किया तो हेक्सा से डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करो भाई, 9 into 16 प्लस 2 into 16, 16 प्लस 10, D, D का मतलब कितना, 13, 13 into 16, है ना। अब क्या करें, पावर इधर से 0 देते हैं, 1 है, 2 है, इस तरह से भरेंगे पावर को देते रहेंगे, है ना। तो किसी चीज का पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1, 1 into 13 प्लस 16 into 2 प्लस 16, 16 जा, देख लो कि पावर 2 है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, है ना, 256, तो 9 into 256 हमारा ये आया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 9 से 256 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा ये, 2304 इसका वैल्यू आया, 2304 प्लस 16 टू जा 32 प्लस 13, है ना, ये हमारा है। देखते हैं इसको ऐड करके, 3, 2, 5, 4, 9, 9 दे दो, यही लिखते पहले 9, अब सेकंड डिजिट ऐड करो भाई, 1, 3, 4,
जीरो, फोर का फोर आया यहाँ पे, है ना। थर्ड डिजिट में इसमें नहीं, इसमें नहीं है, बस थ्री टू है, तो लिख देते थ्री टू, है ना। ये हमारा कितना है, टू थ्री फोर नाइन। अब क्या देखा हम लोग, नाइन लिखा होगा, सॉरी टू थ्री फोर नाइन। देखिए यहाँ पे डेसिमल था मेरा टू थ्री फोर नाइन, हेक्साडेसिमल आए नाइन टू डी, और अब मेरे पास हेक्साडेसिमल हम वही नंबर दे दिए ताकि चेक भी हो जाए, सीख भी ले। तो नाइन टू डी, डी का मतलब थर्टीन, है ना। को अगर हम लोग डिवाइड ये डेसिमल में लाए हैं तो मेरे पास क्या है, टू थ्री फोर नाइन। तो अभी क्या क्या सीखे हम लोग, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। एक बात और इसमें देखते हैं, हेक्साडेसिमल से ही कन्वर्ट करते हैं हम लोग बाइनरी में, है ना। कैसे कन्वर्ट होता है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, तो आपको बताते हैं। हेक्साडेसिमल को लाने के लिए, है ना, फोर डिजिट को हम लोग चेक करते हैं, कितना डिजिट, फोर डिजिट। कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऑक्टल नंबर को देखने के लिए थ्री डिजिट का यूज करते हैं, लेकिन हेक्सा को देखने के लिए फोर डिजिट का, क्यों भाई। तो रिप्रेजेंट हमने डेटा किए थे 1 2 4 6 1 2 4 8, है ना, 16, इस तरह से भरे थे। ये चार डिजिट को मिलाते हैं ना, तो हेक्साडेसिमल का जो हाईएस्ट नंबर 15 है वो हो जाएगा। सबके सामने वन रखे देखो तो 8 4 12 14 15 आ गया। दैट मींस ये जो है हेक्साडेसिमल का सबसे हाईएस्ट नंबर है, लोएस्ट बीसी में से मिल जाएगा कुछ भी करेंगे तो। इसको हम लोग एक बार रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, कैसे, 0 0 0 0 0 के लिए 1 0 0 1 0 1 0 0 है ये, है ना, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11, 12, 13, है ना, 12, 13, 14, 15, very good. 0 से लेके 15 तक के डेटा को हमने रिप्रेजेंट कर लिया डायरेक्ट, है ना। ये आपको फायदा करेगा कहां पे, लिख देते पहले A, B, C, D, E और ये F, है ना, 4 डिजिट में हमने लिख दिया यहां पे। ये क्या, ये आपको फायदा करेगा जब हाई क्लास में, जैसे मान लो कि आपको कोई लॉजिक के डिजाइन करना है, वहां पे कॉन्वर्जन मैप बनाना है, तो वहां पे आप इजीली ये सब डिजाइन कर सकते हैं। हमने इतना फास्टली लिख दिया, ड्रॉ कर दिया, इसका भी तरीका बताएंगे कैसे होता है। पहले अगर हम बाइनरी से देखते हैं, क्या बाइनरी या फिर ऑक्टल, सॉरी हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर देखते हैं, है ना। तो हेक्साडेसिमल कुछ भी देते हैं, 3, 4, 5, 6 या यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, है ना, ये कर देते 3A 5B, हेक्साडेसिमल में निकालना हमें किसमें, बाइनरी में, है ना, बाइनरी में निकालना है। तो बाइनरी में निकालने के क्या करें, पहले 3 का डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, 0011, ए का वैल्यू, ए मतलब 10, 10 का वैल्यू डायरेक्ट कर दो 1010, 1010, उसके बाद क्या है 5, 5 का वैल्यू यहाँ से 010101 कर दो 0101, देखो कितना आसान है। उसके बाद बी, बी का मतलब 11, सीधा करो 1011, 1011, आराम से हो गया। लेकिन आप कहोगे कि भाई आप तो इस पे लिख चुके थे पहले से, डायरेक्ट देके छाप दिए, हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका है, बस कुछ नहीं, 3 डिजिट अपना लो यहाँ पे, 1, 2, 4, 8, बस 4 डिजिट, हमने बताया था ना, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, इस तरह से डबल डबल करते जो बढ़ते हैं डेटा को, वो रिप्रेजेंट कर लिए। लेकिन अभी हम हेक्साडेसिमल में है तो 4 डिजिट पर ही मेरा काम हो जाएगा। अब देखो पहला था मेरा क्या, 3 लाने के लिए बस 213, जो जो चाहिए उसके साथ 1 कर दिए, ये नहीं चाहिए 0 कर दो, देखो मेरा 3 का मिल गया। उसके बाद था मेरा ए, ए का मतलब 10 लाने के लिए क्या करें, 8 के पास 1, 2 के पास 1, है ना, 2 नहीं चाहिए उसके साथ 0, देखो तो 1010 मिला, 1010 मिल गया 4 डिजिट में। इसके बाद है 5 के लिए हम लोग क्या करें, 415, है ना, ये दोनों नहीं चाहिए, तो देखो इधर 0101 आएगा, देखो 0101 मिल गया। नेक्स्ट क्या है, बी, बी का मतलब क्या, 11, वाह वेरी गुड, 11 में क्या 1011, सॉरी 11 8 और 3 11 हो गया ना, ये मेरा 0, तो 1011 आ गया। ऐसे भी डायरेक्ट बस 4 डिजिट को याद रखो, कोई वीडियो नहीं रिप्रेजेंट कर लो। इसी के बाद आता है क्या, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, है ना, बाइनरी टू हेक्सा
डेसिमल। देखते हैं इसको। अब सपोज कोई नंबर 101101101101 कुछ भी लिखा हुआ है, कितना वैल्यू है पता नहीं है, लिखकर निकालना है इसको हेक्साडेसिमल में। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था ऑक्टल में निकालने का तरीका, तीन तीन डिजिट का पेयर लगाते हैं, यहाँ पे हेक्सा है, चार डिजिट का पेयर लगाएंगे राइट साइड से। याद रखोगे इस बात को, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। ये बच गया अकेला बेचारा, लेकिन चार डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे 3 2 0 ऐड कर देंगे, चार डिजिट बन गया। अब लिख दो, ये वैल्यू हमारा 1 का है ना, ये वैल्यू हमारा किसका 7 का है ना। देखो यहाँ पे 7 में लिखा हुआ है, वैसे भी 1 2 4 4 2 6 7 ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। ये वैल्यू हमारा 5 का है, देखो 1 2 4 8 तो 4 और 1 मिल रहा है, ये दोनों को 1 है, 5 हो गया। ये वैल्यू हमारा कितना 8 4 12 1 13 13 का मतलब कितना, देखो इधर डी, यहाँ पे हमने डी कर दिया। ये भी सीख लिया हमने क्या, बाइनरी डेसिमल लाने का तरीका सीख लिए। तो अभी हमने चार डिजिट चार टू कन्वर्जन सीखा है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इस वीडियो में इतना,